बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, हाउ आर यू। आज हम अपने लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 5T, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इन क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर टू ट्रू एंड फॉल्स, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री में हम करेंगे चूज द बेस्ट। ठीक है, तो देखें, नंबर वन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। ए पार्ट है 20 लीटर इज इक्वल टू डैश मिली लीटर। अब देखो, एक लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं ना, तो ये जैसे हम केजी वाला करते थे कि अगर हमारे पास 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता था, तो फिर अगर 6 kg होना था तो हम 6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे ना। तो इसमें भी हमने यही काम करना है। ठीक है, 20 लीटर है तो एक लीटर में 1000 मिली लीटर होता है, तो हमने 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा 20,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर, तो इसका मतलब है 20, अगर 20 लीटर होगा तो उसको 20 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1000 को 20 से करो, 0 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा, 0 से 0 को करो तो 0, और 0 1 जा ये भी 0, यानी कि 0 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, ये तो आपको पता होगा। 2 0 0 0, 2 0 0 0, 2 0 0 0, 2 1 2। ठीक है, तो अब देखो इनको प्लस कर दो, 0 0 प्लस 0 0 0 0 और ये 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 20,000। ठीक है, ये देखें, ये है 20 और ये है 1000, 3 0 है ना, तो 20,000 इसका आंसर क्या आ गया है 20,000। ठीक है, अब 35,000 मिली लीटर कितने लीटर के इक्वल होगा, तो अब देखो जैसे केजी वाला था, अब केजी को हमने अगर ग्राम में करना था तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे, और अगर ग्राम्स को केजी में करना था तो हम डिवाइड कर देते थे। अब इसी तरह लीटर और मिली लीटर में भी। ठीक है, अगर लीटर को मिली लीटर में करना था तो हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, अब मिली लीटर को लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 35,000 को 1000 से डिवाइड करते हैं, देखें क्या आंसर आता है। देखिए 1000 3 3000 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 में से 3 निकालो वो तो 0 ही आता है, अब 5 में से 0, 5 0 0 एंड 0। ठीक है, 5000 आ गया। अब देखें 5000 आया तो 1000 5 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 35। तो अब देखें ऑप्शन में हम आंसर क्या लिखेंगे, 35। अब 15 लीटर 100 मिलीलीटर कितने मिलीलीटर के ऊपर होता है, ये भी आपको मैंने बताया। देखो लीटर है ना, अब मिलीलीटर को तो चेंज नहीं करना, मिलीलीटर में लीटर को मिलीलीटर में करना है ना, तो सिर्फ आप 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और इसको इसमें ऐड कर देंगे। आप करके बताते हैं, ये देखें 15 लीटर है और 1000 मिलीलीटर है। अब इसको तो एज इट इज़ रहने दो, 15 को जैसे हम केजी वाला क्वेश्चन करते थे बिल्कुल सेम है, आपने इसमें भी करना है। 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, और साथ में ये 1000 ऐड हो जाएगा, तो 15,000 में 1000 ऐड करो तो 1510000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको, तो इसका आंसर हमने यही लिख दिया। ठीक, अब देखो 1296 मिलीलीटर इज इक्वल टू डैश लीटर और 296 मिलीलीटर। अब 1 और ये कैसे आया, ये भी मैंने आपको केजी वाले में बताया, ये जो पहली वैल्यू होती है ये लीटर में आ जाएगी और 296 जो है वो मिलीलीटर में आ जाएगी, या फिर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी टाइम्स करवा चुकी, तो आपको आप ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ए पार्ट है 5 लीटर 300 मिलीलीटर प्लस 2 लीटर 600 मिलीलीटर किसकी इक्वल है। अब देखो लीटर को लीटर में प्लस करो, मिलीलीटर को मिलीलीटर में प्लस कर दो, अब 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 और 300 प्लस 600 कैसे, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 और 3 प्लस 2 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो 7 लीटर 900 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर, ये फॉल्स है क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, बी पार्ट है सुटेबल यूनिट फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर इज मिलीलीटर, ये सही है। देखो जब हम वाटर मेयर करते हैं तो उसको हम मिलीलीटर में करते हैं ना, क्योंकि ग्लास है ना छोटा सा, अगर हमारे पास कोई बड़ी सी चीज़ होती कैन होता इस तरह से तो उसको हम लीटर में करते हैं। ठीक है, अब ग्लास है छोटा सा तो हम उसको मिलीलीटर में करते, जैसे हम ग्राम्स और केजी में करते थे ना, सेम यही काम अपने इसमें भी करना है। ठीक है, सी पार्ट है लीटर इज अ यूनिट ऑफ मास, ये फॉल्स है। डी पार्ट है 1000 मिलीलीटर मेक 1 लीटर, ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 1000 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ये ट्रू है। 2 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क मेक्स 1 लीटर ऑफ मिल्क, वो कैसे, यानी कि दो दफ़ा अगर हम 500 को ऐड कर दें, 500 प्लस 500 क्या हो जाएगा 1000, और 1000 किसकी इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर 1 लीटर की इक्वल होता है। ठीक है, समझ आ गई, तो ये ट्रू हो गया, सही है।
हाँ जी, आप ये चूज़ द बेस्ट है। अब आपको मैं एक्सरसाइज 5A, 5B, 5C में ये सारे ऐसे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, ठीक है? तो अब ये मैं आपको आंसर तो लिख दिया, लेकिन आपने मुझे ये सॉल्व करके खुद रफ कॉपीज़ पे इसका सोल्यूशन निकाल के देना है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व करके बताया ना, वैसे ही आपने सॉल्व करना है कि इसको हमने किस तरह मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में कैसे माइनस किया। माइनस करना भी मैंने आपको सिखाया है, प्लस करना भी सिखाया है, ठीक है? मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारा। तो ये जो पाँच पार्ट्स है ना इसके क्वेश्चन नंबर 3 के, ए बी सी डी एंड ई, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व करके फिर मुझे आपने बताना है कि ये आंसर इसका कैसे आया है, ठीक है? तो ये आज आपका होमवर्क है, आपने इसको करना है और सब बच्चों ने मुझे सेंड करना है। और जो बाकी मैं आपको पिछले क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ उसको आपने बुक्स पे भी और कॉपीज़ पे भी करके मुझे भेज देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।